हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। आज हम लोग नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है फूड्स एंड इंस लिमिटेड। ये हमारा एक स्विंग ट्रेड होगा लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। तो चलो देखते हैं इसका प्राइस एक्शन। इसका जो प्योर एनालिसिस होगा वो सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे होगा, कोई फंडामेंटल्स यहाँ पर हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं, तो ट्रेडर्स हमेशा टेक्निकल्स पे काम करते हैं। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप स्विंग ट्रेड लोगे या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम। तो इसका हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करूँ तो इस चार्ट में मुझे क्लियर एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये ट्रेंड लाइन अगर मैं इस लो से इस लो को कनेक्ट करूँ तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एक पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, ये पूरा जोन यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, इसके बाद ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है। ये पूरा डिमांड जोन हो चुका है, मतलब मेरी एंट्री लेवल, जो बायर्स जहाँ पर एंट्री करेंगे, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पर एंट्री करेगी 63 से लेके 60 रुपीज़ का जोन तक। और जब भी प्राइस बाय ऑन डिप्स, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन एक्टिव है तब तक यहाँ पर बाइंग हो सकती है, मतलब 58 to 63, ये जोन पूरा बाइंग जोन है। और स्टॉप लॉस क्या होगा इस लो या इस लो के नीचे, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं इस लो के नीचे रखूँगा तो वो आता है 44-45 के आसपास। तो अगर मेरा रिस्क मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बाइंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरा रिस्क है यहाँ पे 28 to 30% का रिस्क है, क्योंकि ये बड़ा स्विंग है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स में आपको रिस्क भी बड़ा होता है, 28% का रिस्क है। तो आपको आपकी पोजिशन साइजिंग वैसे ही रखनी है कि जब अगर 30% का रिस्क होता है तो आपको वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए, मतलब आपको पैनिक नहीं होना चाहिए कि मेरा, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ लगा रहे हो तो अगर 28% मतलब 30,000 जाएगा तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए अगर ट्रेड फेल हो गया तो। आपकी पोजीशन साइजिंग वैसी होनी चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा 45, ये जो जोन है ये अगर ब्रेक होता है तो ये मेरा पूरा जो आइडिया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये पूरा आइडिया फेल हो जाएगा, ये पैटर्न भी फेल हो जाएगा और हमारा एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें एंट्री पता चल गई है 58 to 63, ये टोटली बाय ऑन डिप्स जोन है, 45 मेरा रिस्क है। अब इसका टारगेट कैसा होता है? टारगेट सिंपली ये जो लो है, इस लो से अगर मैं इस हाइक से कनेक्ट करूँ, ये जो मेरा ट्रायंगल का स्ट्रक्चर था ये, और इसको मैं ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर दूँ तो 51% मुझे रिटर्न मिलेगा, मतलब मेरा रिस्क है 30% और मिनिमम मेरा जो टारगेट होगा वो ये मेरा ऑलमोस्ट नियर 98 रुपीज़, 98 रुपीज़ के पास मेरा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। इसके बाद हम लोग रिव्यू करेंगे, अगर ये ट्रेड वहाँ पर जाता है और बुलिशनेस दिखती है तो यहाँ पर 50% बुक करके ट्रेड को ट्रेल करते रहेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये सब चीज़ें हो गई, टेक्निकल्स, ये पैटर्न्स हो गए, यहाँ पे हम लोगों को एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट पता चल गया, लेकिन हमें ये भी देखना है बैक टेस्टिंग करके कि ये पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो हम लोग वो चेक करेंगे। तो शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से, अगर ये स्टॉक कोई पैटर्न्स को अगर फॉलो करता है तो हम लोग इसमें ट्रेड लेने के लिए इजी हो जाएगा, हमें 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 पता चलेगा कि ये सच में पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होगा, एक कर्व पैटर्न, ये देखो ये, तो ये कप और ये हैंडल, हैंडल का ब्रेकआउट, रिटेस्ट और स्टॉक ऊपर चल गया, फिर से वो वहाँ पर रिटेस्ट आया, फिर से स्टॉक ऊपर, मतलब इस पूरे
जोन का इसने टारगेट दे दिया, मतलब यहाँ पर एक पैटर्न सक्सेसफुल हो गया। दूसरी बार भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी उसने पैटर्न बनाया है कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, लेकिन इस ये जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन है। ये पूरा वीकली टाइम फ्रेम है, आपको ये देखना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको प्ले करना है। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये इस कप एंड हैंडल का पैटर्न भी इसने परफेक्टली फॉलो किया और टारगेट मिल चुका है। तो 2 बार पैटर्न सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे, ये देखो, ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना ब्रेकआउट, और ये इस स्ट्रक्चर का इसने टारगेट दे दिया, फिर एक कंसोलिडेशन, मतलब थर्ड टाइम पैटर्न सक्सेसफुल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे, ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, और पैरेलल स्ट्रक्चर के बाद जो ब्रेकआउट हुआ वो ऊपर गया, मतलब फोर्थ टाइम इसने पैटर्न को सक्सेसफुल हुआ है इसमें। यहाँ पर भी आप देखोगे, ये एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना था यहाँ पर, ये कर्व, ये पैटर्न, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और स्टॉक ऊपर चले गया, यहाँ तक टारगेट दे दिया, मतलब यहाँ पर फिफ्थ टाइम स्टॉक ने पैटर्न को सक्सेसफुली हिट किया है। तो अभी हमें यही उम्मीद होगी कि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये भी अगर बैक टेस्टिंग से हमें पता चला है कि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये एक कन्फर्मेशन होता है, एक कन्विक्शन होता है कि एक ट्रेड, एक स्टॉक पैटर्न को फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगर वो बार बार पैटर्न फेल होता है, तो हम लोग उसमें ट्रेड नहीं लेते। तो ये स्टॉक यही दिखा रहा है, जब भी कोई पैटर्न बनता है तो वो सक्सेसफुली उस पैटर्न को फॉलो करता है, और वो भी हायर टाइम फ्रेम पे। तो हमें ये इस स्टॉक में हायर कन्विक्शन ट्रेड है ये हमारा, कि यहाँ पे 30% रिस्क है, 50% हमारा टारगेट है, और हमारे ये बाइंग जोन पे मिला हुआ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी आइडिया होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।